मैं हूँ ऋचा गुप्ता, वेलकम टू घर का मैजिक। आज मैं बताने जा रही हूँ मशरूम का भरवा। मशरूम का भरवा स्वादिष्ट, सुपाच्य एवं स्वास्थ्यवर्धक होगा। मशरूम नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन दोनों बहुत लाइक करते हैं। अब मैं कैसे बनाऊँगी मशरूम का भरवा और क्या यूज़ कर रही हूँ बताने जा रही हूँ। मशरूम भरवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मशरूम को अच्छे से साफ करके धो लिया है। धुलने के बाद देखिए, मैंने इसके डंठल को निकाल के बीच में खाली कर लिया है। खाली इसी तरह मैंने सारे मशरूम खाली कर रखे हैं और उसको फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पनीर। ये पनीर मैंने घर पे निकाला है, आप जैसे वैसे ले सकते हैं। ये पीली सरसों है, पीली सरसों को मैंने यहाँ पर देखिए पीस के पाउडर बना लिया है मिक्सी में। थोड़ा सा मैं इसमें पीली सरसों डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये सौंफ का पाउडर है, सौंफ को पीस कर रखा है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी तो मुझे पूरे मसाले में डालना है, इसे मैं थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ नमक ले रही हूँ, हल्का सा, ये पनीर कच्ची है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब इसको हाथ की सहायता से मैं मिला लूँगी। जो ये मशरूम को मैंने खाली कर रखा था, वो मशरूम में ये मैं फिलिंग करूँगी। ये देखिए, ऐसे ही एक एक करके सारे मशरूम में मैं फिलिंग करूंगी। ये सारे मशरूम में मैंने भर के फिलिंग कर ली है। अब ये मशरूम की फिलिंग हो गई है। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखा है, गैस ऑन कर दिया है, जिसमें मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे लेती हूँ जब तक ऑयल गरम हो रहा है तब तक इसमें लेती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये लिया है मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ का पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और ये मस्टर्ड पाउडर जो सरसों को पीस के रखा था, इसे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच। साथ में ले रही हूँ नमक, नमक थोड़ा सा, पानी, अब ये सारे मसाले का मैंने देखे पेस्ट बना लिया। जब तक ये मसाले का पेस्ट सेट हो रहा है, तब तक ये कटेगी अनियन, ये घी गरम हो गया है, ये हल्का ट्रांसपेरेंट ऑनियन जब तक तल रहा है, जब तक ये ऑनियन ट्रांसपेरेंट तक हो रहा है, तब तक यहाँ मैं ये ग्रीन चिली कट कर रही हूँ। मुझे इसे छोटे पीस में नहीं करना है, इस तरह डालना है, बीच से केवल 2 पीस में हाफ कट करके। इसलिए हाफ कट करेंगे, ये चटकते हैं, जाके चटकने लगते हैं। अब ये देखिए अनियन ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब ये जो मसाले का मैंने घोल बना रखा था, इसे डाल के मुझे 5 मिनट तक ढकना है, ढक के पकाऊंगी।
मसाला 5 मिनट भून गया है, इसे अच्छे से मिला लूँगी। अब मिलाने के बाद जो मैंने मशरूम की फिलिंग करके रखी थी उसे एक एक करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखूँगी। मशरूम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। मशरूम में भरपूर मात्रा में एमिनो एसिड, मिनरल्स एवं विटामिन्स होते हैं जो हमें हृदय रोगों से, मधुमेह से, कैंसर से एवं मोटापे से बचाने में सहायक होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन एवं फोलिक एसिड होता है जो हमें शरीर के हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखते हैं। ये मशरूम बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट तैयार होगा। ये जो मैंने मशरूम के डंठल निकाल रखे थे इसे मैं बारीक कट के करके, ये देखिए बारीक बारीक कट करके वो भी मैं चारों तरफ से डाल दूंगी भरवा मशरूम के साथ, और साथ में थोड़ा सा पनीर क्यूब भी डाल रही हूँ। ये पनीर क्यूब भी डाल रही हूँ, ये मशरूम के डंठल को मैं कट कर रही हूँ और साथ में पनीर क्यूब भी डाल रही हूँ। अब ये थोड़ा सा जो मैंने गरम मसाला निकाल रखा था उसे भी ऊपर से डाल दे रही हूँ। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए मैं पकने के लिए ढक दे रही हूँ। ये 10 मिनट हो गया है। वाह क्या टेस्ट में है, बहुत अच्छा। मैं इसे चेक करके देखती हूँ। ये देखिए भरवा मशरूम, ये बिल्कुल कट जा रहा है, तैयार हो गया है। अब मैं गैस ऑफ करने जा रही हूँ। इसे गर्मा गर्म मैं कढ़ाई में ही सर्व कर रही हूँ। ये गर्मा गर्म भरवा मशरूम तैयार है। मैं इसको थोड़ा सा धनिया की पत्ती से ग्रेसिंग करूँगी। अब इसे मैं हल्का सा टेस्ट करके देख रही हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत। थोड़ा सा इसमें नमक कम लग रहा है, मैं यहाँ पे ब्लैक साल्ट यानी काला नमक यूज़ कर रही हूँ हल्का सा ऊपर से, साथ में प्याज की लच्छे हो और भरवा मशरूम हो, चपाती चावल हो, तो मज़ा ही कुछ और है। अगर आपको पसंद है भरवा मशरूम तो आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।